धर्म सभा से पहले राम मंदिर को लेकर भी सियासत गर्मा चुकी है। नेताओं को, सियासी पार्टियों को अब राम मंदिर पर स्टैंड बताना पड़ रहा है। देश पूछ रहा है कि बताइए, आप अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ खड़े हैं या फिर इसके खिलाफ है? बीजेपी कह रही है कि राम मंदिर पर पार्टी का रुख आज भी वही है जो पहले दिन से था, जबकि कांग्रेस ने कहा है कि जनता राम मंदिर वाले झांसे में बार बार नहीं आएगी। देश को हर गुजरते दिन के साथ अब ये करीब करीब साफ होता जा रहा है कि अयोध्या में कौन राम मंदिर बनाने के साथ खड़ा है और कौन खिलाफ, क्योंकि राम मंदिर पर जनता अब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर सबकी राय साफ साफ जानना चाहती है। वहीं पर उसी स्थान पर डिजाइन के हिसाब से ही भव्य राम मंदिर का निर्माण करना, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। इसमें हमारे मन में कोई कंफ्यूजन, कोई कार्यकर्ता नहीं। बीजेपी ने राम मंदिर पर अब फ्रंट फुट में खेलना शुरू कर दिया है। 5 राज्यों में चुनावी माहौल के बीच रोजाना मंदिर बनाने को लेकर बयानों का सिलसिला तेज हो गया है। हमारा राम राज्य केवल एक धार्मिक राज्य नहीं है, इस देश की व्यवस्था राम और रोटी एक साथ मिल करके पूरी करेगी। एक अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए और ये हो तो सबको बेहद खुशी होगी। हम लोग की प्रतिबद्धता राम जन्मभूमि एक भव्य मंदिर बने प्रामाणिक है, संवैधानिक रूप से ये बनना चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, राम मंदिर के नारे में जनता अब की बार नहीं आएगी। वहीं कल तक राम मंदिर के लिए कानून बनाने की बात का समर्थन करने वाले पक्षकार इकबाल अंसारी बयान से पलट गए। सरकार को इस विषय में अपना मत स्पष्ट करना चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट पे यकीन कर रहे हैं या कोई कानून इत्यादि बना रहे हैं। आप वातावरण को विशेष करना चाहते हैं। कानून पे भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, जल्दी फैसला करें। हम पक्षकार मानने के लिए तैयार हैं, हिंदू पक्षकार भी मान रहा है, मुसलमान पक्षकार मान रहा है। तो आप कह सकते हैं कि अयोध्या में इस 25 तारीख को यानी कि अब से ठीक 2 दिन बाद राम मंदिर निर्माण के लिए एक तरह से दूसरा आंदोलन शुरू हो रहा है। अब हम आपको अयोध्या आंदोलन की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। अयोध्या में 10 लाख राम भक्त धर्म सभा में इकट्ठा होंगे। 25 नवंबर को साधु संत सरकार से राम मंदिर पर उनका प्लान पूछेंगे कि राम मंदिर बनाने के लिए सरकार अपना प्लान बताए। सरकार को धर्म सभा 9 दिसंबर तक का वक्त उसको दिया गया है। 9 दिसंबर तक सरकार अपना फॉर्मूला बताए। यूपी के सभी जिलों से राम भक्तों को अयोध्या लाने की तैयारी हो रही है। राम भक्तों को अयोध्या लाने के लगभग 9000 बसें बुक की गई हैं। यूपी के सभी 75 जिलों में 5000 से 10000 लोग अयोध्या की धर्म सभा में पहुंचेंगे और सूत्रों के मुताबिक यूपी बीजेपी के सभी सांसद और विधायक भी धर्म सभा की तैयारी में जुट चुके हैं। धर्म सभा की सफलता के लिए आंतरिक सूचना सांसदों और विधायकों को भी दे दी जा चुकी है। दिल्ली में होने वाली धर्म सभा में राम मंदिर निर्माण की तारीख तय की जा सकती है। दिल्ली के रोहिणी के जापानी पार्क में धर्म सभा की तैयारी चल रही है।